अगर कहा जाए तो वहां पे फ्रीक्वेंट मतलब बहुत जल्दी जल्दी ग्लेशिएशंस हुए हैं इन पास्ट, ट्रॉपिकल में नहीं होते हैं। और इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा कि जब कोई अनडिस्टर्ब रहेगा कई लाख सालों तक, तो स्पीशीज को डाइवर्सिफाई होने के लिए, मतलब डाइवर्सिटी डिफरेंट टाइप की स्पीशीज को डेवलप करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा, है ना। तो इसका रिजल्ट ये होगा, इस पहली वाली लाइन का अगर रिजल्ट अगर देखा जाए तो रिजल्ट ये होगा कि एक लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम मिल जाएगा। किस चीज के लिए? फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को एस्टेब्लिश होने के लिए फिर बहुत लंबा टाइम मिल गया, क्योंकि ये टाइम बड़ा क्रूशियल है। अगर बार बार चेंजेस होंगे, जैसे आपको पीछे का याद हो तो आपने पढ़ा था इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो सक्सेशन में कम्युनिटी, क्योंकि एक के बाद दूसरी आ रही है, दूसरे के बाद तीसरी आ रही है, इसीलिए तो स्टेबल नहीं थी। स्टेबल कम्युनिटी वो थी कि जिसके बाद कोई और नहीं आएगा, जिसके बाद सारी चीजें ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, अब किसी और स्पीशीज को आने की कोई केस है ही नहीं, वहीं पे जाके सक्सेशन खत्म हो गया। तो ये चीज यहाँ पे भी है कि आप एक लंबे टाइम तक जो है वो अगर स्पीशीज को छोड़ दोगे तो आसानी से वो एक दूसरे के साथ कोरिलेशन को डेवलप करके एक स्टेबल इकोसिस्टम बना पाएंगे। और अगर स्टेबिलिटी आएगी तो इसका मतलब है कि वो मोस्ट प्रोडक्टिव या डिफरेंट टाइप की स्पीशीज को कैरी करेंगे। तो ये पहला रीजन निकल के आता है। दूसरा, ट्रॉपिकल बेल्ट को अगर देखा जाए टेम्परेट के कंपैरिजन में, क्योंकि ये पूरा जो आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं वो सिर्फ कंपैरेटिव ही है, तो जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट होते हैं वो लेस सीजनल होते हैं, है ना। ट्रॉपिक्स जो है, जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है, दे आर लेस सीजनल, लेस सीजनल का मतलब ये हुआ कि मोर कॉन्स्टेंसी होगी, कॉन्स्टेंट ज्यादा होंगे एंड प्रिडिक्टेबल। जब कॉन्स्टेंट है तो आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो कहता है कि सर मैं आज पढ़ूंगा कल नहीं पढ़ूंगा, फिर एक महीने बाद आया सर मैं 3 दिन पढ़ूंगा 4 दिन नहीं पढ़ूंगा, फिर 15 दिन बाद आ गया सर मुझे 1 हफ्ते पढ़ा दीजिए फिर मैं 1 हफ्ते नहीं पढ़ूंगा। जब ऐसे कोई चीज आएगी तो स्टेबिलिटी कहाँ होगी? स्टेबिलिटी वहां होती है जहां पे कॉन्स्टेंसी आती है कि सर मैं पढ़ूंगा, और पढ़ने में मैं पढ़ूंगा अच्छे से पढ़ूंगा तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, प्रीवियस टेस्ट की एनालिसिस की जाएगी तो मैं प्रिडिक्ट भी कर पाऊंगा कि आपके नीट या बोर्ड में कितने मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप में ही बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है तो मेरा प्रिडिक्शन कैसे आएगा? प्रिडिक्शन हमेशा वहां आता है जहां पे कॉन्स्टेंसी होती है, जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है वहां प्रिडिक्शन नहीं हो सकता। तो ट्रॉपिकल्स के साथ ये अच्छी चीज है कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट लेस सीजनल होते हैं। हमें पता है हमारे यहाँ, मतलब ट्रॉपिकल बेल्ट की अगर बात करें तो ऑटम, स्प्रिंग, विंटर और समर 4 सीजन है और 12 महीने है, तो लगभग 3 महीने एक सीजन हो गया। हो सकता है कि ये महीने आगे पीछे हो जाएं, जैसे मान लीजिए अप्रैल है तो अप्रैल मई जून मान लेते हैं, या मार्च मान लेते हैं, तो मार्च अप्रैल मई ये हो गया हमारा ऑटम सीजन। फिर इसके बाद जून जुलाई अगस्त ये मान लिया कि गर्मियां, समर हो गया। फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर मान लिया कि स्प्रिंग सीजन है, और दिसंबर जनवरी फरवरी मान लिया कि विंटर है। अब अगले हो सकता है कि 10 सालों के बाद क्या होगा, चलो एक साइकिल चेंज कर लेते हैं, 1 महीने आगे पीछे कर लेते हैं, तो जो गर्मियां आप कह रहे हैं कि अगस्त में खत्म हो जाएंगी, हो सकता है वो सितंबर में आ जाए। लेकिन गर्मियां सितंबर में अगर जा रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि स्प्रिंग सीजन में से 1 महीना निकाल के गर्मी में ऐड कर दिया, गर्मियां 4 महीने की हो गई और स्प्रिंग सीजन 2 महीने का ही रह गया, ऐसा नहीं होता। अगर शिफ्ट होगा तो पूरा पूरा 3 3 महीने का स्लॉट जो बना हुआ है ट्रॉपिकल बेल्ट में, वो पूरा का पूरा जो है वो उसी तरीके से शिफ्ट होगा। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट लेस सीजनल होते हैं एज कंपेयर टू टेम्परेट, अगर हम बात करें तो वो कॉन्स्टेंसी ज्यादा आ जाएगी, प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाएगी। जितनी ज्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा निच का स्पेशलाइजेशन होगा। इकोलॉजिकल निच आपको मैंने पढ़ाया था, हर एक स्पीशीज का एक फंक्शनल रोल होता है, एक पोजिशनल रोल होता है किसी इकोसिस्टम में, तो उतना ही ज्यादा निच स्पेशलाइजेशन है, मतलब सबका अपना अपना रोल है, तो निच स्पेशलाइज हो गई। जितनी ज्यादा निच स्पेशन होगी उतनी ही ज्यादा जो है वो ग्रेटर डाइवर्सिटी होगी।
ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी, इस तरीके से है ना। मान लीजिए क्लास में अगर हर एक बच्चा जो है वो स्पेशलाइज है, तो इसका मतलब है कि वो क्लासरूम बहुत डाइवर्स नेचर का है। कोई फिजिक्स में एक्सेल करता है, तो कोई केमिस्ट्री में करता है, कोई जू में कर रहा है, तो कोई बॉटनी में कर रहा है ना। तो इसका मतलब है कि सबकी अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है। और ये स्पेशलाइजेशन क्यों हुई? क्योंकि सबकी पढ़ाई जो है वो कॉन्स्टेंसी के साथ है। जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो वो तरीका सही था, उसमें वेरिएशन नहीं थे, इसलिए वो तरीका जो है वो प्रिडिक्ट में कर पाया कि आप इस सब्जेक्ट में अच्छे हो गए, आपका रिजल्ट आया, तो आप हर सब्जेक्ट में अच्छे हैं, यानी आप स्पेशलाइज हैं। और जितना क्लासरूम में अलग अलग सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन है, उतनी ही ज़्यादा डाइवर्सिटी हो गई। फिर ट्रॉपिकल को टेम्परेट से कंपेयर करोगे तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट जो आता है वो है प्लेनेटरी साइंस का, है ना। ट्रॉपिकल बेल्ट पे मैक्सिमम सनलाइट आती है। अगर हम ये कहें कि अर्थ पे जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, सन, तो सन के चारों तरफ, जैसे आपने पढ़ा है कि भाई अर्थ क्या करती है, वो सन के चारों तरफ रोटेट करती है, तो सनलाइट जो अर्थ पे आती है उस एंगल के हिसाब से, उस प्लेनेटरी साइंस के हिसाब से अगर आप समझोगे, तो मैक्सिमम सोलर एनर्जी जो है वो ट्रॉपिकल बेल्ट में आती है। और फिर जितनी ज्यादा सोलर एनर्जी होगी, सनलाइट होगी, करस्पॉन्डिंग टू दैट हमने पढ़ा है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगी, यानी कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। और जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, अकॉर्डिंगली उस पर डिपेंडेंट हर्बीवोर, कार्निवोर और बाकी एनिमल्स डिकम्पोजर वो आएंगे। अब जितने तरीके के प्लांट एनिमल हो गए, उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी हो गई। तो तीसरा रीजन ये है कि मोर सोलर एनर्जी, सनलाइट की अगर हम बात करें तो ये है ना, इज इन ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल बेल्ट में सोलर एनर्जी ज्यादा है। अब जितनी ज्यादा सोलर एनर्जी होगी, उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। तो इसका मतलब है कि हायर प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि तो जितनी सनलाइट होती है उसी के हिसाब से फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस का पैरामीटर इकोलॉजी में प्रोडक्टिविटी लिया जाता है। अब जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो गई, उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी हो गई, ग्रेटर डाइवर्सिटी है ना। क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब है प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स अगर ज्यादा हैं, तो उन पे डिपेंडेंट हर्बीवोर और उन पे डिपेंडेंट फिर कार्निवोर, और हर्बीवोर कार्निवोर पे डिपेंडेंट जो डेड बॉडी पे आएंगे वो डिकम्पोजर्स, तो उसी प्रोपोर्शन में स्पीशीज बढ़ती जाएंगी। अब जितनी ज्यादा स्पीशीज बढ़ती जाएंगी, उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी आ जाएगी। तो ये तीन रीजन है जिनकी वजह से हम ये कहते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है इन टर्म्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, है ना। या उनके अंदर अगर कहा जाए तो ये बात आती है कि वो ज्यादा या ग्रेटर बायोडायवर्सिटी को शो करते हैं, है ना। तो ये मतलब टॉपिक इसमें से हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वही होगा ना, लेस सीजनल है। तीनों ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तीनों का अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है। केवल ट्रॉपिकल बेल्ट पे होना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई ट्रॉपिकल बेल्ट पे लाइट सबसे ज्यादा आ जाएगी। अब लाइट तो मान लीजिए सबसे ज्यादा आ रही है, लेकिन फिर भी अगर फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन पास्ट अगर हुएंगे तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो पॉइंट अपनी जगह सारे ही वैलिड है, मतलब तीनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ नहीं पूछा जाएगा, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव ही बन के आएगा, और कोई ऑप्शन निकल के नहीं आएगा, है ना। तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। हाँ, ज्योग्राफिकली अगर कहा जाए तो मैक्सिमम सनलाइट आती है अर्थ पे, इसलिए प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, और प्रोडक्टिविटी ज्यादा यानी प्रोड्यूसर ज्यादा है, करस्पॉन्डिंग टू दैट बाकी एनिमल और डिकम्पोजर स्पीशीज आ जाएंगी। दूसरी चीज अगर कहा जाए तो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंसी ज्यादा है, अगेन इसका रीजन भी प्लेनेटरी साइंस से ही आता है कि सीजन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आपने जैसे इकोलॉजी के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि क्लाइमेट या वेदर कैसे बनती है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं हमें जो अर्थ का रोटेशन है अराउंड द सन, और जो अर्थ का अपने एक्सिस पे झुकाव है, टिल्ट ऑफ द एक्सिस, उसी की वजह से जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस बनती हैं। उन्हीं के तरीके से सेकेंड पॉइंट आएगा। पहला पॉइंट जो है वो पास्ट है, वो पूरी तरीके से अर्थ का ओरिजिन, अर्थ पे जो लाइफ का ओरिजिन है, या जो ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कह लीजिए, या आप इवन ओरिजिन ऑफ अर्थ भी कह सकते हो कि अर्थ जब पहली बार बनी होगी, अर्थ पे जब लाइफ पहली बार आई होगी, तो वो तब की बात है। तो तीनों ही पॉइंट अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके नहीं है ना। आप आगे पीछे करके भी लिख सकते थे। अब इसके बाद ये तो बात हो गई कि हम जब हमने हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो ये था कि पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी को पढ़ते कैसे हैं। तो आपने लिखा कि दो मास्टर ग्रेडियंट है, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड, सॉरी एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड। तो उनके हिसाब से हमने डायवर्सिटी का डेटा देखा और एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पैराग्राफ स्टडी किया। अब मान लीजिए इकोलॉजी में क्या होता है कि जैसे कोई डीयू में
स्टूडेंट है, कोई इकोलॉजी में पीजी कर रहा है, कोई एमएससी इकोलॉजी पढ़ रहा है, तो वहाँ क्या होता है कि इकोलॉजी के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे आप 11th 12th में केमिस्ट्री फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करते हो, वैसे बीएससी एमएससी में भी किए जाते हैं, तो इकोलॉजी के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो आउटडोर होते हैं। आउटडोर का मतलब है बाहर जाके करने पड़ेंगे, आपको नेचर में जाके करने पड़ेंगे। तो उन्हें तो वहाँ उनके जो टीचर्स हैं उन्होंने बोल दिया कि यमुना के किनारे जाओ और 100 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर जो है वो स्पीशीज की डाइवर्सिटी को स्टडी करके लाओ। अब अगर यमुना बैंक पे मान लीजिए आपको 100 मीटर स्क्वायर एरिया दे दिया गया, तो उसका एल्टीट्यूड और लैटीट्यूड तो सेम ही आएगा। वो ये तो ना कह रहे हैं कि आप शिमला में स्टडी करो और दिल्ली में स्टडी करो और कंपेयर करो, क्योंकि शिमला हाई एल्टीट्यूड का है और दिल्ली लो एल्टीट्यूड का है। तो वो तो हमें पता है, मैं आपको एक प्लेन सरफेस दे रहा हूँ और आप कह रहा हूँ कि बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करो, तो कैसे करोगे? इन दैट केस फिर हमें मैथमेटिकल मॉडलिंग पे जाना होता है। इसको बोलते हैं स्पीशीज, यानी कि हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, एरिया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एरिया स्टडी किया जा रहा है, रिलेशनशिप कर्व, सर स्पीशीज प्लेन एरिया। सरफेस पे क्यों नहीं कर पाएंगे? नहीं, प्लेन सरफेस पे हम कर लेंगे, बट प्लेन सरफेस पे आप ये नहीं कर पाओगे कि आप ये सोचो कि एल्टीट्यूड या लैटिट्यूड का चेंज आएगा, तो नहीं आएगा। दिल्ली में कहीं भी जाओ, कंपास लेके जाओगे तो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना। अगर आप दिल्ली यस में सर, कहीं भी आ गए या दिल्ली से गाजियाबाद भी आ गए, तो कितना चेंज होगा? पॉइंट्स में भले डिग्री चेंज हो जाए, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ, दिल्ली से अगर आप शिमला भी जा रहे हो या मनाली जा रहे हो, उसके ऊपर आप और जा रहे हो, तो चेंज होगा, क्योंकि आप माउंटेन के टॉप पे जाओगे तो फिर वही है कि आपका अगर एल्टीट्यूड इंक्रीज करेगा तो फिर वेरिएशन आएगा। पर सर लेकिन अगर सिर्फ अगर जम्मू कश्मीर में देख लिया तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। नहीं, तब भी ये फिर आपको ये देखना है ना, मान लीजिए जम्मू कश्मीर में, अगर ये जम्मू और कश्मीर तो खुद ही बहुत दूर दूर है, जम्मू से सुबह निकलोगे तो शाम को कश्मीर पहुंचोगे, 500 किलोमीटर की डिस्टेंस है ना, और पहाड़ पे गाड़ी चलानी है तो 10 10 12 12 घंटे लग जाते हैं। तो अब आप ये से आपसे ये कहा जाए कि नहीं आप जम्मू में चले जाइए, अब जम्मू और पठानकोट बिल्कुल नियर बाई है, तो जम्मू और पठानकोट का जो एल्टीट्यूड और लैटीट्यूड के जो ग्रेडियंट्स आएंगे वो सेम आएंगे। अब वहां पे आपसे कह दिया जाए कि एक जंगल है, जाओ इसमें स्पीशीज की डाइवर्सिटी बताओ कैसे करोगे, तो उसमें एल्टीट्यूड और लैटीट्यूड काम नहीं आ सकते, फिर आपको किसी और तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी। वो तरीका क्या है? वो तरीका कहलाता है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप कर्व। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप कर्व है ना, ये निकल के आता है ना। अब ये किसने दिया था? ये दिया था एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, है ना। एलेक्जेंडर, स्पेलिंग गलत हो गई, तो दिस इज गिवन बाय AL आएगा, सिंगल है ना, एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इन्होंने, है ना, बुक में दिया है कि ये जर्मन, जर्मनी के थे, जर्मन नेचुरलिस्ट हैं, मतलब नेचर में जो स्टडी करते हैं वहाँ, जैसे हमारे यहाँ इकोलॉजिस्ट होते हैं वैसे ये नेचुरलिस्ट हैं एंड जियोग्राफर हैं। सर ये सब भी तो याद रखना पड़ेगा ना कि हाँ, बिल्कुल। जर्मन। अब जब जेनेटिक्स के पीछे के 2 साल में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं इस तरीके से कि किसी भी कंट्री की सिटीजन, किसी भी साइंटिस्ट की सिटीजनशिप पूछ ली, तो भाई इनकी भी याद कर लो, क्या पता पूछ लें। तो इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया, इन्होंने अगर ये देखा, अब इसको ऐसे समझो, मैं आपको नेक्स्ट स्टेज पे ले चलता हूँ। लाइक आपने मान लीजिए ये एरिया लिया, सर लास्ट स्लाइड करिएगा एक बार। ये लो बेटा, ये जर्मन के बाद क्या लिखा है? जर्मन नेचुरलिस्ट, नेचर NATURA, नेचुरल, नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर। जो नेचर की स्टडी करते हैं वो नेचुरलिस्ट हो गए, ज्योग्राफी ज्योग्राफर। डन सर। ओके, अब जैसे इसको इस तरीके से समझो कि लाइक मैंने ये एक एरिया लिया, इस एरिया में मैंने टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज को देखा, मान लीजिए ये 10 आ गई, फिर मैंने इस एरिया को बढ़ा दिया, लाइक अब मैंने ये एरिया ले लिया, तो नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ेंगी, लाइक मान लेते हैं कि 15 स्पीशीज हो गई, फिर मैंने एरिया बढ़ाया,
फिर नंबर ऑफ स्पीशीज को देखा, 20 हो गई मान लीजिए, और एरिया बढ़ाया, फिर नंबर ऑफ स्पीशीज को देखा, 25 हो गई। अगर आप ये वाला चीज को प्लॉट करोगे ग्राफ को, तो ये ग्राफ कैसा आएगा? लीनियर इक्वेशन आएगी, है ना? सेम पैटर्न में जो है वो, जैसे जैसे एरिया बढ़ा रहे हो उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीशीज का नंबर भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ रहा है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ऐसे करके। लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं होता। जब अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट ने ये काम किया तो उन्होंने ये देखा कि ऐसा नहीं है कि एरिया बढ़ाते जाओगे तो स्पीशीज की डाइवर्सिटी बढ़ती ही जाएगी, है, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये इस तरीके से इंक्रीज हो, किसी और तरीके का पैटर्न आएगा। तो वो पैटर्न कैसा आएगा वो इम्पॉर्टेंट है, कि अगर हम एरिया की बात करें, विद इन एन एरिया अगर हम बात करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज की रिचनेस का मतलब है नंबर ऑफ स्पीशीज, कितनी ज्यादा स्पीशीज है, रिच का मतलब नंबर से लिया गया, नंबर ऑफ स्पीशीज। सो स्पीशीज रिचनेस इज इंक्रीज्ड, बढ़ेगी विद इंक्रीजिंग एरिया, जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे वैसे वैसे नंबर बढ़ेगा, बट अप टू ए लिमिट, एक लिमिट तक जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये अनलिमिटेड हो जाए, जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया, ऐसा ग्राफ नहीं आएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। ग्राफ कैसा आता है? ग्राफ एक्चुअली आता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा हो कभी, ये ग्राफ कहलाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ एक्चुअली ऐसा आएगा, ये ग्राफ निकल के आता है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये एक्स एक्सिस पे एरिया लिया है, एरिया यानी ए, वाई एक्सिस पे आपको लेना है नंबर ऑफ स्पीशीज यानी स्पीशीज रिचनेस। तो आप जब एरिया बढ़ाओगे तो स्पीशीज का नंबर बढ़ेगा, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, सेम पैटर्न में नहीं बढ़ेगा, वो कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। ये ग्राफ क्या कहलाता है? ये ग्राफ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ग्राफ ना देखे सीधा ये भी पूछ सकते हैं ना कि कौन सा ग्राफ आता है? हाँ हाँ बिल्कुल, आया हुआ नीट में क्वेश्चन है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप कर्व का ग्राफ कैसा होता है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ये आपको याद रखना है ना, स्पीशीज रिचनेस यानी एस, एरिया यानी ए, उस पर ये ग्राफ निकल के आया है ना। अब इस ग्राफ की इक्वेशन क्या आती है? इसकी इक्वेशन आती है एस इज इक्वल टू टी ए की पावर जेड। इस ग्राफ की इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन है एस इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड। अगर इसी ग्राफ को हम लॉग स्केल पे ले जाएं, बिकॉज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को सॉल्व करना मुश्किल है, आप अगर जानते हैं तो इस बात को समझते होंगे, और अगर नहीं जानते तो आप वैसे समझ जाइए कि कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसीलिए 11th-12th के सिलेबस में नहीं दिया होगा, है ना। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को समझना थोड़ा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सा है। तो इस ग्राफ को इजी क्या कैसे किया गया? इसको लॉग स्केल पे ले गए, लॉग स्केल पे ये आ गया है ना, लॉग लॉग, जैसे ग्राफ पढ़ाते हैं ना फिजिक्स या मैथमेटिक्स में ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको लॉग स्केल पे ले गए। लॉग स्केल का मतलब है इधर मान लीजिए कि लॉग ए और इधर है लॉग एस, और फिर ये ग्राफ जो प्लॉट करोगे वो कैसा आएगा? देन ये आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ कैसा है? ये स्ट्रेट लाइन है, अब स्ट्रेट लाइन है तो इक्वेशन भी स्ट्रेट लाइन की आएगी। तो अगर आप ये एस इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड जो लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको अगर आप लॉग स्केल पे लेके आओगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? ये बनेगी लॉग एस इक्वल्स टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। लॉग स्केल की इक्वेशन क्या है? ये। और ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। अगर आपसे कहा जाए कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है? ये। और ग्राफ कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये दोनों याद रखनी है। एस क्या है? स्पीशीज रिचनेस। ए क्या है? एरिया।
सी और जेड क्या है इनकी बात करते हैं। सर लॉग में भी तो यही दिखा रहा है कि इंफिनिटी तक ये बढ़ता ही रहेगा ये लॉग को लेके जब एंटी लॉग लेके आओगे ना तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा फिर से वापस। ये स्ट्रेट लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लॉग पे तो ना अप्लाई कर दोगे, y is equal to mx plus c की जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आप log s is equal to log c plus z log a पे अप्लाई करोगे तब तक जब तक वैल्यू लॉग की आ रही है, जैसे लॉग को फिर एंटी लॉग में ले जाओगे वो वैल्यू फिर चेंज हो जाएंगी। ये दिखने में स्ट्रेट लाइन है क्यों, क्योंकि mx plus c को आप आसानी से पढ़ते हो और आसानी से सॉल्व कर लेते हो, लेकिन जो आंसर आएंगे वो लॉग के आंसर आएंगे, वो न्यूमेरिकल वैल्यूज के आंसर नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू के आंसर चाहिए तो s is equal to ca की पावर z से निकालो और फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं सॉल्व करते हैं उसका तरीका अलग है, फिर वो स्ट्रेट लाइन तरीका थोड़ा अप्लाई करोगे, दोनों अलग अलग है। व्हाट अबाउट सी एंड जेड, अगर हम सी और जेड की बात करें तो उसमें सी और जेड क्या है, तो जहां तक सी की बात है सी चाहे यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो आप, सी क्या कहलाता है, सी इज द वाई इंटरसेप्ट, यहां लिख दूं कलर कोई और लेना पड़ेगा, सी क्या है, सी इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। जिन्होंने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ा होगा उन्हें वाई इंटरसेप्ट पता होगा, है ना। और जेड क्या कहलाता है, जेड इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। इसको स्टैटिक्स में जब ये ग्राफ प्लॉट करोगे तो स्टैटिक्स में अगर आप इसको लेते हैं तो ये कहलाता है रिग्रेशन कोफिशिएंट। आप स्लोप ऑफ द लाइन तो जानते ही है, रिग्रेशन कोफिशिएंट नहीं जानते तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिए कि इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट, सी आई ई एन टी, रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, अब अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने यह भी करके देखा कि क्या यह ग्राफ सबके लिए आएगा। सबके लिए आने का मतलब है कि अगर हम अलग अलग टाइप के प्लांट और एनिमल ले लें, लाइक ये ग्राफ अगर एंजियोस्पर्म का आ रहा है किसी भी एरिया में, लाइक हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कोई ग्राफ प्लॉट कर लिया, वो ग्राफ हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या लॉग स्केल पे स्ट्रेट लाइन आ गया। अब ये ग्राफ हमने जो स्टडी की थी, जो स्पीशीज इसमें स्टडी की थी, नंबर ऑफ स्पीशीज, वो किसकी ली थी, एंजियोस्पर्म की। तो अगर मान लीजिए ये एंजियोस्पर्म की स्पीशीज है तो क्या ब्रायोफाइट के लिए भी यही ग्राफ आएगा, क्या उस फॉरेस्ट में जो हर्बीवोरस एनिमल है उनके लिए भी यही निकल के आएगा। अगर हम बर्ड ये ले लें या फ्रेश वाटर फिश ले लें किसी, मान लीजिए एक्वेटिक एनवायरनमेंट में अगर आपने फ्रेश वाटर फिश के लिए ग्राफ प्लॉट किया, क्या तब भी यही आएगा? आंसर इज यस। आप कोई भी टैक्सा ले लो, कोई भी आप ग्रुप ले लो, टैक्सा आपने 11th में पढ़ा ही होगा टैक्सॉन, तो आप कोई भी टैक्सा ले लो, चाहे आप कॉर्डेट्स ले लो, चाहे बैट्स ले लो, चाहे फिशेस ले लो, चाहे मैमल्स ले लो, चाहे एम्फीबियंस ले लो, चाहे आप इंसेक्ट्स के लिए प्लॉट कर लो, चाहे आप प्लांट में ब्रायोफाइट के लिए कर लो, चाहे वेस्कुलर प्लांट के लिए कर लो, चाहे एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल प्लांट के लिए कर लो, चाहे ट्रीज के लिए कर लो, किसी भी ग्रुप के लिए जब आप इस ग्राफ को प्लॉट करोगे, सरप्राइजिंग थिंग इज दिस कि ग्राफ सबके लिए एक ही आएगा। कोई भी आप टैक्सा चूज कर लो, सबका ग्राफ कैसा आएगा, लॉग स्केल पे स्ट्रेट लाइन, अदरवाइज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो पहली चीज तो ये है कि आप टैक्सोनॉमिक ग्रुप कोई भी ले लो, जो ग्राफ है वो सबका एक जैसा आएगा। दूसरी चीज, मैं इन पॉइंट्स को डिस्कस कर देता हूं। सर अगर हम इसमें प्रोकैरियोट लेते तो फिर तो स्ट्रेट लाइन आ जाता। बेटा प्रोकैरियोट का कुछ नहीं करना, बायोडायवर्सिटी का मतलब है एक्सक्लूडिंग प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स को लेके कोई काम नहीं किया जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। सर अगर हम लेते तो स्ट्रेट लाइन हो सकता था ना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि 100 मीटर स्क्वायर एरिया है और इसमें मुझे बैक्टीरिया की स्पीशीज ढूंढ के बताओ, तो किसी भी आदमी के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है, है ना। आइंस्टीन भी आ जाएंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ में जितनी मिट्टी होती है उसी के अंदर बैक्टीरिया कितने आप नहीं पता कर सकते, और आपको अगर 100 मीटर स्क्वायर एरिया दे दिया जाएगा और फिर आपसे कहें कि इसमें बैक्टीरिया बताओ, तो कैसे बताओगे? मैं तो केवल बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप बैक्टीरिया, इसीलिए तो है कि प्रोकैरियोट की स्टडी क्यों नहीं करते,
बिकॉज प्रोकैरियोट की स्टडी करने का तरीका ये है ही नहीं. प्रोकैरियोट को अगर आप ऐसे स्टडी करोगे पॉसिबल ही नहीं है. आप यूकैरियोट्स में ला सकते हो और यूकैरियोट्स में भी जो ऑर्गेनिज्म बड़े बड़े ग्रुप है उनके. अगर आप कहें कि सर इसकी जगह मैं डायटम्स पे करूंगा तो क्या आएगा. जितने भी इस टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, होता क्या है कि मैथमेटिक्स का सिंपल रूल है कि मैथमेटिक्स या जैसे सर आपको कराते होंगे वो आपको 3-4 क्वेश्चंस करा देंगे. एक फार्मूले पे 10 क्वेश्चन करा देंगे फिजिक्स वाले सर. आपकी बुक में 200 क्वेश्चन दिए, सारे कराएंगे क्या? दुनिया का कोई फिजिक्स का टीचर नहीं कराएगा, दुनिया का कोई मैथमेटिक्स का टीचर नहीं कराएगा. आप करो, ना हो तो पूछ लेना, ये बोला जाता है. करना आपको पड़ेगा. ऐसे जब जेनेटिक्स पढ़ोगे तो मेंडल ने भी यही किया. उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस करके दिखा दिया, मोनो हाइब्रिड करके दिखा दिया. आगे के लिए उन्होंने मैथमेटिक्स के हिसाब से कंक्लूजन दे दिया कि एज पर मैथमेटिक्स ये आंसर आएगा. करके नहीं दिखाया, केवल कहा है कि फार्मूला लगाओगे तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा. अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो जाओ सॉल्व करो, सॉल्व ना हो तो मेरे पास आ जाना. लोगों ने सॉल्व किए ही नहीं क्योंकि उन्हें पता था कि फार्मूला का रिजल्ट यही आएगा. सो सेम हियर, आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते. आपको बस ये है कि अलग अलग टैक्सा के लिए प्लॉट करना था, कर लिया. अब आप कहें कि डायटम्स के लिए क्या आएगा, तो डायटम्स के लिए आएगा यही ग्राफ, लेकिन इन्होंने करके नहीं दिखाया और ना ही किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं कि सारे टैक्सा के ग्राफ यही बनाते. मतलब जो पर्सन है अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट, ये सबके थोड़ा बना सकते हैं. इनको जो जो समझ में आए वो उन्होंने स्टडी करके दे दिए, एक कॉमन रिजल्ट दे दिया. अगर रिजल्ट में प्रॉब्लम लगती है तो आप करिए और बताइए क्या प्रॉब्लम आई है, है ना. तो इसी तरीके से होता है कि मैं आपको 3 क्वेश्चन करा दूंगा, 4 करा दूंगा, बाकी आप करो और बताओ कहाँ पे गलती है. सारे करके तो ना दिया जाएंगे. तो ये चीज इसीलिए तो मिनिमम करके दे दिया गया. कि मैंने ये नहीं कहा कि 20 में से एक क्वेश्चन करा दिया, 4-5 करा दूंगा आपको, बाकी के 15-16 क्वेश्चन जो है वो अपने आप कर लीजिए. इसी तरीके से यहाँ भी आता है. पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि कोई भी आप टैक्सा ले लो, ग्राफ सबका सेम रहता है ना. ग्राफ विल बी सेम. ग्राफ मतलब कर्व फॉर वाइड रेंज ऑफ टैक्सा. टैक्सा मतलब ग्रुप. चाहे आप एंजियोस्पर्म ले लो, चाहे आप फिशेस ले लो, चाहे आप मैमल्स ले लो, सबका सेम आएगा. और यहाँ वाइड रेंज को लिखा, ऑल क्यों नहीं लिखा? वाइड रेंज, अभी ये मैं ग्राफ में आपको रेंज समझाता हूँ क्या है, है ना. आप बर्ड्स ले लो, कुछ भी ले लो, तो कुछ ऐसा नहीं. आप वैस्कुलर प्लांट ले लो एटसेट्रा. वाइड रेंज का दूसरी बात आती है. दूसरी ये आती है कि आप टैक्सा कोई भी लो, यहां लिखा ना वाइड रेंज ऑफ टैक्सा. आप टैक्सा कोई भी ले लो, जो स्लोप ऑफ द लाइन है वो सेम आएगा, है ना. इसी लाइन के सीक्वेंस में हम लिख रहे हैं कि, या दोबारा लिख लीजिए, आपकी बुक में ये इस तरीके से भी दिया होगा, रिगार्डलेस द टैक्सोनॉमिक ग्रुप. और रीजन अलग अलग एरिया में ले लो या अलग अलग ग्रुप का ले लो, है ना. इंपॉर्टेंट क्या है? जो स्लोप ऑफ द लाइन है जेड, जो आपने लिखा था, स्लोप ऑफ द लाइन इज, आपकी बुक में अमेजिंगली लिखा होगा, सिमिलर. सबका एक जैसा स्लोप आएगा. जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ जेड लाइज बिटवीन, इसीलिए वाइड लिखा है, ऑल नहीं लिखा, 0.1 to 0.02. जेड की वैल्यू जो है वो 0.1 या 0.02 के बीच में आएगी. जो स्लोप ऑफ द लाइन है, जो रीजन में आप प्लॉट करोगे, लाइक आपने फॉरेस्ट में किया या रिवर में किया, या आपने ट्रॉपिकल बेल्ट में लिया या टेम्परेट बेल्ट में लिया, कोई भी एरिया ले लो और कोई भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप ले लो, जेड की जो वैल्यू है वो 0.1 से 0.2 के बीच में ही आएगी. 0.1 से 0.2, जेड क्या था हमारा इस ग्राफ में, अगर आप देखोगे तो जेड क्या आपने लिखा हुआ है, जेड एज स्लोप ऑफ द लाइन. मतलब इसको ऐसे समझो तो ग्राफ कैसा आएगा, कहाँ चला गया, जैसे ये एक ग्राफ मैं स्ट्रेट लाइन में बना रहा हूं, ये आ गया, दूसरा ग्राफ ये हो गया, इन दोनों में
थीम है, मतलब जैसे ये एक आ गया, ये भी स्ट्रेट लाइन है, अगर मान लीजिए इसी पे बनाना होता तो कोई ग्राफ ऐसा भी हो सकता था, अगर मान लो कोई और प्लॉट करना है तो कोई ग्राफ ऐसा भी आ सकता है, तब स्ट्रेट लाइन ही तो है, कोई ग्राफ ऐसा भी आ सकता है। जो चेंज हो रहा है वो क्या चेंज हो रहा है, स्लोप ऑफ द लाइन, इसमें लाइन का स्लोप ये है, रेड वाली में अगर आप बनाओगे तो लाइन का स्लोप ये आएगा, ऐसे ब्लू वाले में अगर आप बनाओगे लाइन का स्लोप तो उसके हिसाब से ये आएगा, येलो वाले में अगर आपने बनाया तो उसके हिसाब से और ये आएगा। सब स्ट्रेट लाइन है, सब लॉग एस और लॉग ए, लेकिन स्ट्रेट लाइन का मतलब हमेशा ये थोड़ा लेते हैं कि बीच में 45 डिग्री पे बना दोगे तो स्ट्रेट लाइन होगा, है ना? आप 45 पे बनाओ, 30 पे बनाओ, 60 पे बनाओ, 75 पे बनाओ, कहीं कहीं भी बना लो, ये सब स्ट्रेट लाइन ही है, आप इनमें से कोई भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। इसीलिए लिखा है कि जेड की वैल्यू जो चेंज होगी वो 0.1 से 0.2 के बीच में चेंज होगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब इसमें एक क्लॉज ये भी दिया गया है कि अगर आप बहुत बड़ा एरिया ले लोगे, लाइक एंटायर कॉन्टिनेंट, है ना, अब छोटे से फॉरेस्ट की बात नहीं हो रही, पूरे कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, आप पूरे एशिया के लिए मान लीजिए कोई प्लॉट करें तो जेड की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, है ना। फॉर ए वेरी लार्ज एरिया, फॉर एग्जाम्पल एंटायर कॉन्टिनेंट, तो जो जेड की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देन आएगी 0.6 से 1.2। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल, इस लाइन के लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर हम फ्रूट ईटिंग, ये पूछ लिया गया, फ्रूगी वोरस, है ना, FRUGI, फ्रूगी वोरस का मतलब होता है फ्रूट ईटिंग बर्ड्स या मैमल्स, फ्रूट ईटिंग एनिमल मान लीजिए, जो फल खाते हैं केवल ट्रीज के, वो कहलाते हैं फ्रुगीवोर, FRUGI VORES, या फ्रुगीवोरस एनिमल्स लिख सकते थे। इनके लिए जो जेड की वैल्यू निकल के आती है वो 1.15 निकल के आई, जो स्लोप ऑफ द लाइन निकल के आया वो कितना आया, 1.15। डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के लिए, डिफरेंट कॉन्टिनेंट के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लेने हैं, लाइक एशिया से कोई ले लिया, कोई ऑस्ट्रेलिया से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ले लिया, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लेना है अलग अलग कॉन्टिनेंट के, और उन कॉन्टिनेंट में जिस टैक्सा को स्टडी करना है वो है फ्रूट ईटिंग बर्ड और मैमल, यानी फ्रूगी वोरस एनिमल। तब जब जेड की वैल्यू देखी तो 1.15 है, क्योंकि बड़े से कॉन्टिनेंट के लिए अगर आप ये ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जेड 0.6 से 1.2 के बीच में आना चाहिए, आंसर कितना आया, 1.15, यानी ग्राफ ठीक बैठा। कोई छोटा एरिया है तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 0.1 से 0.2 के बीच में आएगी। सारा कुछ सर मैथमेटिकल है, आपको याद करना है। सर अगर हमारा 1.2 से ज्यादा आ जाता है तो हमने कोई गलती की है या फिर उसमें रेंज में कोई गलती उन्होंने दी है? हमने गलती की है, क्योंकि जब साइंटिस्ट किसी कॉन्सेप्ट को देता है तो वो सही होता है, वो जब कॉन्सेप्ट को देता है तो ऑलरेडी जितने भी लोग होते हैं उस रिसर्च के फेवर में या जो फेवर में नहीं होते, तो उसी टाइम पे चीजें सॉल्व हो जाती हैं। जैसे आप वर्नियर कैलिपर्स की एरर आपको पता है कितनी आती है, अगर आपके एक्सपेरिमेंट में गलत कुछ और आ रही है, उससे कम या उससे ज्यादा आ रही है, तो एक्सपेरिमेंट आपका गलत है, वर्नियर का नहीं, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स ने जब वर्नियर कैलिपर्स मतलब वर्नियर ने जब वर्नियर कैलिपर्स बनाया और एरर जो दी, तो वो एरर मिनिमम टू मैक्सिमम है, सारी रिसर्च करने के बाद दी कि इतनी एरर हो सकती है। अब कम ज्यादा आ रही है तो आपने गलत किया, उन्होंने नहीं। ऐसे ट्राइटेशन में मान लीजिए आप कहते हैं कि इतनी पीएच आएगी, तो पीएच जिन्होंने दी वो सही है, आप गलत हो गए, है ना? तो ऐसे यहाँ भी केस है। सर चाहे कितना भी अच्छा लॉजिक दे लें, लॉजिक वैलिडिटी नहीं है, लॉजिक का साइंस में कोई रोल नहीं होता, एक्सपेरिमेंट है, प्रूव करके दिखाओ, रिजल्ट करके दो, लॉजिक से साइंस नहीं चलती। साइंस को क्यों और कैसे चाहिए, आप करके दिखाइए। पाई की वैल्यू अगर आपको नहीं माननी है तो आप बताइए कि क्या आप वैल्यू दोगे और कैसे दोगे, और हम क्यों मान लें, आप हमें प्रूव करिए। अगर
साइंटिफिक कम्युनिटी को प्रूव कर दोगे तो वो आपकी वैल्यू मान लेगी। फिर ये 1.15 सारे कॉन्टिनेंट का है, ये 1.15, हाँ आपको डिफरेंट कॉन्टिनेंट के केवल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, और उसमें जो कंसिडर करने हैं वो फ्रूट ईटिंग बर्ड और मैमल या एनिमल लिख लीजिए। सर वो 0.1 से 0.2 किसी पर्टिकुलर एरिया का था। हाँ वो छोटे एरिया का है भाई, एंटायर कॉन्टिनेंट भी तो एरिया ही हुआ, लेकिन कॉन्टिनेंट तो बहुत बड़ा हो गया ना। और सर हमने पूरे अर्थ की बात कर ली, तो पूरी अर्थ का कोई किया ही नहीं गया, अर्थ पे सारी कैसे स्टडी करोगे। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रॉसिबिलिटीज, प्रॉबेबिलिटी वाली बात है। अगर आपको एक मान लीजिए एरिया दे दिया जाए कि इसकी डिस्टेंस मेजर करो, तो आप मैथमेटिक्स का तरीका ये है कि उसके यूनिट्स बना दो। आपने मान लीजिए उसके 100 टुकड़े कर दिए, और कोई भी रैंडम 4-5 टुकड़े ले लिए, 5 ले लिए रैंडम, उन 5ों का एवरेज निकाल लिया, उस एवरेज को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर दे दिया, ये मैथमेटिक्स होता है। मैथमेटिक्स में 100 के 100 टुकड़े स्टडी नहीं किए जाते, तो इसीलिए क्योंकि स्टैटिकली प्रूव करना होता है उसके लिए 3 या 5 चाहिए मिनिमम, तो 3 का एवरेज या 5 का एवरेज चल जाता है, तो 5 का एवरेज निकाल लिया, जो वैल्यू आई उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपना आंसर दे दिया। सर ये जो 0.1 और 0.2 वैल्यू है, ये छोटे रीजन के। हाँ ये छोटे रीजन के लिए, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि आप रिवर साइड पे चले गए या किसी ग्रासलैंड में चले गए, हमें 100 मीटर स्क्वायर एरिया ले लिया, तो जेड की वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच में आएंगी। इसमें सिर्फ कंट्री ले सकते हैं? कंट्री तो पूरा नहीं लिया है, बिकॉज पूरे कंट्री में आप एक ग्रुप नहीं ले पाओगे ना, पूरे कंट्री से इंडिया एक कंट्री है, तो इंडिया में फिर इकोसिस्टम भी तो बहुत सारे हैं, आप सेम टाइम पे डेजर्ट और सेम टाइम पे फॉरेस्ट एक साथ कैसे स्टडी कर लोगे, या तो फॉरेस्ट के लिए करोगे या डेजर्ट के लिए करोगे। yes, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। आप ये कह सकते हो कि मैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडिया का ले रहा हूँ, तो इंडिया के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब है कि 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और अंडमान निकोबार आइलैंड, ये सारा ले लिया आपने, ये हो गया आपका इंडिया का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब इंडिया के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी सारी स्पीशीज नहीं ले सकते, तो आपने कहा कि मैं केवल इन फॉरेस्ट में जो इंसेक्ट्स हैं उन पे काम करूंगा, या जो फ्रूट ईटिंग एनिमल्स हैं मैं उन पे काम करूंगा, या जो बिग कार्निवोर्स हैं, बिग कैट्स हैं, मैं उन पे काम करूंगा। तो आप अपना रेंज तो खुद ही कम करोगे ना, आप बहुत बड़ा रेंज ले लोगे तो आप कर ही नहीं पाओगे एक्सपेरिमेंट, करना तो आपको ही है ना, फिर जितने ज्यादा आपने स्पीशीज ले ली पता चला खुद ही नहीं काउंट कर पा रहे, सालों तक रिजल्ट ही नहीं आ रहा, ऐसी रिसर्च का भी क्या फायदा। yes, सर हाँ सर, अगर हम यूएस और इक्वेडोर का 100 मीटर स्क्वायर एरिया लें तो उनका जेड का वैल्यू सेम आएगा? नहीं, अलग अलग आएगा। उनका इसलिए अलग अलग आएगा क्योंकि उनके तो लैटिट्यूड एल्टीट्यूड ही अलग अलग हो गए ना, जहाँ पे लैटिट्यूड एल्टीट्यूड अलग अलग है वो तो मास्टर ग्रेडियंट है, उनको तो उसी हिसाब से स्टडी किया जाएगा। जहाँ पे लैटिट्यूड एल्टीट्यूड से काम नहीं चल रहा, एक रैंडम सैम्पलिंग एरिया दे दिया गया है, तो उसके लिए फिर आपको स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप कर्व बनाना होगा, जो आपने पढ़ा उसमें भी वो एरिया अगर एक बड़े से कॉन्टिनेंट आया है तो जेड की वैल्यू अलग आएंगी, अगर एक छोटा एरिया है तो जेड की वैल्यू अलग, अलग आने के मतलब जो रेंज है उस रेंज के बीच में ही आएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा कि पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी जो मेन हेडिंग था, बोलो। लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड चेंज नहीं होगा, ये जो हमने बोलिए जेड की वैल्यू नहीं, इसमें इसमें कैसे चेंज करोगे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अगर आपने लिया तो ट्रॉपिकल बेल्ट तो सेम हो गई ना, तो सेम लैटिट्यूड हो गया आपका। अब ट्रॉपिकल बेल्ट आप चाहे इक्वाडोर का लो, चाहे ट्रॉपिकल आप इंडिया का लो, चाहे ट्रॉपिकल आप किसी और कंट्री का लो, सब सेम ही तो आएंगे। अब आता है इसमें एक नेक्स्ट हेडिंग है, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी।
टू इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में स्पीशीज की डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम ये कह रहे हैं कि ज्यादा स्पीशीज की डाइवर्सिटी होगी तो इकोसिस्टम स्टेबल होगा, स्टेबल इकोसिस्टम होगा तो उसमें ग्रेटर प्रोडक्टिविटी आएगी। तो इस बात को भी लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट से करके समझाया कि एक इकोसिस्टम है जिसमें 5 स्पीशीज हैं, एक इकोसिस्टम है जिसमें 10 स्पीशीज हैं, तो जो 10 स्पीशीज वाला इकोसिस्टम है वो ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, जो 5 वाला है वो 10 के कंपैरिजन में लेस स्टेबल हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी इकोसिस्टम उतना ही स्टेबल माना जाता है। अब ये बात डिसाइड कैसे होगी, ये तो एक स्टेटमेंट हो गया, इसको प्रूव कैसे करोगे? तो पहली चीज तो मैं स्टेटमेंट ही लिख देता हूं कि अगर हम दो इकोसिस्टम को कंपेयर करें, आप ऐसे मान लीजिए कम्युनिटी विद मोर स्पीशीज, जिसमें स्पीशीज ज्यादा हैं, इज मोर स्टेबल। जितनी स्पीशीज ज्यादा होंगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, कंपेयर कर रहे हैं, देन दोज ऑफ या दोज विद लेस स्पीशीज। अगर लेस स्पीशीज वाली कम्युनिटी को मोर स्पीशीज वाली कम्युनिटी से आप कंपेयर कर रहे हैं तो जिसमें स्पीशीज का नंबर ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। ठीक, स्टेबल की डेफिनेशन क्या लेते हो? बाय डेफिनेशन अगर कहा जाए कि एक स्टेबल कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी लिखा है, इकोसिस्टम लिखा है, एक ही बात है ना? एक स्टेबल कम्युनिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? तो एक स्टेबल कम्युनिटी वो होती है जिसकी प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है ना। अभी हमने बात की थी कि कॉन्स्टेंसी ज्यादा होनी चाहिए, वेरिएबिलिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टेंसी ज्यादा होगी तो प्रिडिक्टेबल आ जाएगा, प्रिडिक्टेबिलिटी होगी तो आपका स्टेबिलिटी आती है। तो स्टेबल कम्युनिटी का मतलब ये है दैट डू नॉट शो टू मच वेरिएशन, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आने चाहिए इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का आपने जो यूनिट लिखा था वो था ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, साल के हिसाब से लेते हैं तो इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। है ना, तो साल दर साल जो प्रोडक्टिविटी है उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, थोड़े बहुत वेरिएशन चलते हैं। लाइक एक इकोसिस्टम है, 2015 में प्रोडक्टिविटी निकाली तो 10 ग्राम आई फॉर एग्जांपल, 2016 में निकाली तो 10 ग्राम की जगह 10.12 ग्राम हो गई, फिर 2017 में निकाली तो 9.97 हो गई, फिर 2018 में निकाली तो 10.5 ग्राम हो गई, 2019 में निकाली तो 10.6 ग्राम हो गई, 2020 में निकाली तो 9.7 ग्राम हो गई। तो जब इनका आप एवरेज निकालोगे तो लगभग 10 ही आएगा, तो वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2015 में निकाली और 10 ग्राम आ रही है तो 2016 में निकाली और वो पता चला कि 17 ग्राम हो गई, 17 ग्राम होने का मतलब है 7 times इंक्रीज हो गई, है ना? तो प्रोपोर्शनेट के हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो फिर ऐसे पता चला कि 2018 में निकाली तो वो 10 ग्राम की जगह 6 ग्राम रह गई। ज्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए, थोड़ा बहुत वेरिएशन आना चाहिए जिसे एरर बोलोगे आप, क्योंकि वो इनसिग्निफिकेंट फिगर होगा, मैथमेटिक्स में उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। तो इसी जैसे आपके मार्क्स के लिए होता है ना कि आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, इस बात का पैरामीटर क्या है? मैं आपके पीछे के 10 टेस्ट देखूंगा और 10 टेस्ट के मार्क्स देखूंगा। आपके अगर एवरेज मार्क्स मान लीजिए 180 में से जो आ रहे हैं बायो में, वो 180 आप या बॉटनी 180 का है तो 180 में मान लीजिए बॉटनी के मार्क्स आ रहे हैं तो ठीक है, 150 के अप्रॉक्स, कभी 145 आ गए तो कभी 155 हो गए, कभी 160 हो गए तो कभी 142 हो गए, कभी 148 है तो कभी 152 है। तो इसका मतलब है आपके मार्क्स में अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, इट मींस कि आपकी पढ़ाई स्टेबल है, आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो वो तरीका सही है, आपको इसी पेस को मेंटेन करना है और आप एक अच्छे स्टूडेंट हो क्योंकि आपके 180 में से 150 के अप्रॉक्स मार्क्स आ रहे हैं। बट अगर 180 में से पता चला एक टेस्ट में तो 179 आ गए और दूसरे टेस्ट में आपके मार्क्स 79 रह गए, तो इसका मतलब है कि जिसमें 179 आ गए उसमें आपने चीटिंग कर ली और एक्चुअली आपका जो स्टेटस है वो 79 वाला ही है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि किसी की प्रोडक्टिविटी में किसी का जो रिजल्ट होता है, अब यहाँ इकोसिस्टम है तो इकोसिस्टम का जो रिजल्ट है, जो प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर, जो एनुअल प्रोडक्टिविटी आप निकालते हो, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होने चाहिए।
हालांकि अगर कभी कोई वेरिएशन आ भी गया किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से या किसी और की वजह से, तो वो रेजिस्टेंट होना चाहिए, है ना। इट मस्ट बी रेजिस्टेंस, ये भी लाइन है बुक में, इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू ऑकेजनल, अचानक से आने वाले। इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू ऑकेजनल डिस्टर्बेंसेस। ऑकेजनल जो डिस्टर्बेंस होते हैं वो दोनों तरीके से होते हैं, कई बार मैन मेड भी होते हैं और कई बार नेचुरल भी होते हैं। मतलब लैंडस्लाइड हो गई तो पता चला कि 100-200 पेड़ टूट गए फॉरेस्ट में से, तो 100-200 पेड़ों की प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई ना। तो अगर कभी ये हुआ भी, क्योंकि लैंडस्लाइड हर साल एक टाइम पे हो ऐसा नहीं है, कभी होगी कभी नहीं भी होगी, तो जब नहीं होगी तो वो कंपनसेट कर ली जाएगी, है ना। जैसे आप लोग की स्टडी होती है कि भाई ठीक है, आपने डिसाइड किया कि हर दिन 1 घंटे बॉटनी पढ़ोगे, अब पता चला बॉटनी के टाइम पे मतलब कल के दिन कोई ऐसा काम आ गया जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, एक पार्टी में चले गए जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते थे, तो इसका मतलब ये है कि जो पार्टी में आप एक दिन चले गए तो वो 1 घंटा कम हो गया। आपके पेस को मेंटेन करने के लिए आपको किसी दिन 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तभी तो एवरेज आपका 1 घंटे पर डे आएगा। या ये तो हो गया मैन मेड। कई बार कुछ ऐसा हुआ कि नहीं, कोई नेचुरल कैलामिटीज हो गई और आप नहीं पढ़ पाए, तो जो डिस्टर्बेंस है वो मैन मेड भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, लेकिन जितना आपका लॉस हुआ उस लॉस को आपको किसी और दिन कंपनसेट करना पड़ेगा, सो दैट जब आप एवरेज निकालो पूरे महीने का, तो आपकी पढ़ाई 30 घंटे की बॉटनी जो होनी चाहिए वो 30 दिन की आए। तो किसी दिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसका मतलब अगले दिन 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा, बीच में अगर आपने 3 दिन नहीं पढ़ा तो आपको जो है वो ये 3 घंटे आगे कभी भी कवर करने हैं, चाहे 1.5 घंटे करके करो चाहे 2 घंटे करके करो, आपको कहीं ना कहीं कवर करने हैं। तो सेम यहाँ पे भी है, ये जो नेचुरल या मैन मेड डिस्टर्बेंसेज हैं ये कवर अप हो जाते हैं, इनके लिए जो कम्युनिटी है वो स्टेबल कम्युनिटी मानी जाती है ना, रेजिस्टेंट होती है। अब इस ये जो बात लिखी है, जो दो पॉइंट लिखे हैं, इनको प्रूव किसने किया? सर मैनमेड में अगर हर साल लगातार उतने ही पेड़ काट रहे तो फिर तो स्टेबल नहीं रहेगा ना, अगर आप उसको लॉस को पूरा नहीं कर पा रहे तो स्टेबल नहीं रहेगा। हम तो बात स्टेबल की कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम आता है, डेविड टिलमेंस। इनके लॉन्ग टर्म मतलब बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने किए थे, लॉन्ग टर्म आउटडोर, आउटडोर मतलब नेचर में जाके करने होते हैं, आउटडोर फील्ड एक्सपेरिमेंट, फील्ड में जाके एक्सपेरिमेंट करने। सो डेविड टिलमेंस लॉन्ग टर्म आउटडोर फील्ड एक्सपेरिमेंट शोज दैट, क्या शो करते हैं ये? दो बातों को शो करते हैं। पहली बात तो ये शो करते हैं कि ऐसे प्लॉट्स जो आउटडोर फील्ड एक्सपेरिमेंट किए, तो आउटडोर प्लॉट्स बनाए उन्होंने, छोटे छोटे प्लॉट्स ले लिए थे, तो ऐसे प्लॉट्स जिसमें स्पीशीज का नंबर कम है उसमें वेरिएशन भी उसी हिसाब से आएगा, है ना। प्लॉट्स विद मोर स्पीशीज, अगर स्पीशीज ज्यादा है तो वेरिएशन नहीं आएगा, जैसे ऊपर आप लिख ही चुके हो, मोर स्पीशीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन साल दर साल इन बायोमास। इन्होंने पैरामीटर बायोमास यानी प्रोडक्टिविटी लिया, बायोमास आपको बताया था लिविंग से लिविंग क्रॉप या लिविंग को अगर होता है तो बायोमास बोलते हैं, तो स्टैंडिंग क्रॉप या स्टैंडिंग बायोमास आपने पढ़ा था। तो उन्होंने मान लीजिए बायो एक plot, बार ये वाली चीज दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, कम्युनिटी विद मोर स्पीशीज इज मोर स्टेबल। अब इसको ऐसे समझ लो, अब मान लीजिए ये कम्युनिटी है, मेरे पास दो कम्युनिटी है, दो इकोसिस्टम है, एक में 20 स्पीशीज है और एक सेम एरिया की है, एक में जो है वो 5 स्पीशीज है, तो जिसमें जितनी ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज होगा, ये नंबर ऑफ स्पीशीज लिखा है, वो ये उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये मोर स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे स्पीशीज ज्यादा है, यहाँ कम है तो ये लेस स्टेबल होगा। ये पहला पॉइंट था सर। पर ज्यादा स्पीशीज होने से ज्यादा स्टेबल कैसे होगा सर, ये पूछ रही हूँ मैं। ज्यादा स्पीशीज होने से ज्यादा इंटरेक्शन डेवलप होते हैं,
उसी हिसाब से ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है। अब जैसे घर में चार लोग कमाने वाले हैं तो घर स्टेबल रहेगा ना, बिकॉज अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो भाई कि एक की नौकरी चली गई है, तो तीन लोग तो कमा रहे हैं ना घर चलाने के लिए, दो की नौकरी चली गई या दो किसी का एक्सीडेंट हो गया नहीं जॉब पे जा पा रहा, तो दो लोग मिलके तो घर चला लेंगे ना, कहीं से तो सोर्स ऑफ इनकम हो रहा है। अगर एक घर में एक ही लोग कमाने वाला होगा और उसी को अचानक से कुछ हो गया, तो पूरी फैमिली तो सस्टेन ही नहीं कर पाएगी, है ना। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। मान लीजिए हम, मैं अपने घर में केवल अकेला हूँ, तो मुझ में क्या स्टेबिलिटी है, रात के 12 बजे आइसक्रीम खाने का मन करेगा, गाड़ी उठाऊंगा चला जाऊंगा, है ना। कोई स्टेबिलिटी थोड़ा है ना, कोई खाने का टाइम होगा ना कोई सोने का टाइम होगा, जब मन करे सो जाओ, जब मन करे खाना खा लो उठ के। बट अगर एक फैमिली है तो ईच एंड एवरी थिंग इज डिफाइंड कि ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट मिलेगा, डिनर के टाइम पे डिनर मिलना है, गाड़ी पार्क हो गई तो अब नहीं निकलनी है, आज छुट्टी है तो नहीं जाना है, और जब काम करना है तो कोई और काम नहीं करना, सिर्फ आपको ऑफिस जॉब करनी है। तो हर चीज डिफाइंड, जितने ज्यादा लोग बढ़ते जाएंगे उतना डिफाइन हो जाएगा, है ना। सर, ये स्टेबल बायोडायवर्सिटी का स्टेबल इकोसिस्टम से रिलेशन होगा? हाँ, सबसे स्टेबल का मतलब हमेशा नंबर से लिया जाता है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो स्टेबल कंपनीज क्यों कहलाती हैं, बिकॉज वहाँ बहुत सारे कॉर्पोरेट जॉब है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, अचानक से बंद करके नहीं भाग जाएंगी, लोगों का पैसा डूब नहीं जाएगा, इसीलिए वो एमएनसी पे ट्रस्ट करते हैं चाहे सैलरी कम क्यों ना हो। और जो छोटी मोटे इंस्टीट्यूट है, मान लीजिए छोटे मोटे ऑफिस है, चार पांच लोग मिलके कोई काम कर रहे हैं, पता चला कब ऑफिस बंद करके चले जाएं क्या पता, सब स्टार्टअप है ना, स्टार्टअप कह लीजिए या कुछ भी। स्टार्टअप में भी डिपेंड करता है कि दो तीन, जितने लोग, सिंपल कॉन्सेप्ट है, जितने नंबर में कम होंगे उतनी लेस स्टेबिलिटी आएगी। अगर मैं अकेला कोई कंपनी चला रहा हूँ तो मेरी मर्जी है ना, जब चाहे तब बंद करके चला जाऊंगा, मुझे कौन मना करेगा। बट अगर मेरा एसोसिएशन है, अगर एसोसिएशन होगा तो एक मेमोरेंडम भी होगा कि यार 20 लोग मेरे पार्टनर है, मैं जब तक 20 लोगों की सहमति नहीं ले लूंगा, मैं अपनी कंपनी में बंद करना तो बहुत दूर की बात है, मैं एक बिल तक पास नहीं कर सकता, तो फिर वो स्टेबल हो जाएगा। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसीलिए तो स्टेबिलिटी है, क्योंकि इतने सारे लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। अगर एक लोग मिलकर डिसाइड करे, मिलके क्या होगा, अगर अकेला डिसाइड करेगा तो मोनोपोली हो गई ना, जब मर्जी चाहे वार कर लो, जब मर्जी चाहे पीस में चले जाओ। ये बात हर जगह लागू होती है कि जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज इंटरेक्शंस बढ़ जाते हैं, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, और जब आपके डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो आप अपने आप में अकेले डिसीजन नहीं ले सकते, आपको लोगों की सहमति से कोई काम करना होगा। तो अगर यहाँ पे 20 अलग अलग तरीके की स्पीशीज है तो सब एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट है, इसीलिए वो स्टेबल है। यहाँ पे 5 स्पीशीज है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, दो कर दोगे तो और कम हो जाएगी, अकेला होगा तो अनस्टेबल बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमने इस चीज को देखा था। यही चीज डेविड टिलमैन ने अपने एक्सपेरिमेंट से कर दी कि मान लीजिए चार प्लॉट ले लिए उन्होंने, ये चार अलग अलग प्लॉट हैं, बाहर जाके आउटडोर एक्सपेरिमेंट कर लिए। अब उन्होंने देखा कि एक प्लॉट के अंदर जो है वो 20 स्पीशीज है, एक में जो है वो 50 स्पीशीज है, एक में 12 स्पीशीज है, एक में 7 स्पीशीज है। अब पैरामीटर क्या लिया, बायोमास, कि किसका बायोमास कॉन्स्टेंट है। तो उन्होंने ये देखा कि जिस प्लॉट के अंदर सबसे ज्यादा स्पीशीज होंगी उसका बायोमास हर साल कांस्टेंट रहता है, मतलब जब 5 साल लिए कि 2015 में क्या हुआ, 16 में क्या हुआ, 17 में क्या हुआ, 18 में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ, 20 में क्या हुआ, 6 साल ले लिए, तो इन 6 साल में जो बायोमास है वो यहाँ कॉन्स्टेंट है और यहाँ बिल्कुल कॉन्स्टेंट नहीं है। तो ये इन्होंने कंक्लूड किया कि जिस प्लॉट में जितना ज्यादा नंबर होगा उसका ईयर टू ईयर बायोमास में वेरिएशन अगर देखा जाए तो कांस्टेंट कहलाएगा, लेस वेरिएशन आएगा क्योंकि स्पीशीज का नंबर जो है वो ज्यादा है ना। और फिर जितनी ज्यादा स्पीशीज का नंबर होता है उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। इसी लाइन में जो दूसरा है वो यही है कि इंक्रीज डाइवर्सिटी अगर है देन इट लीड्स टू इंक्रीज डाइवर्सिटी का रिजल्ट क्या आएगा, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आज की क्लास ही यहीं से स्टार्ट की थी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्रोडक्टिव हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर डाइवर्सिटी ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी। तो जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी वैसे उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए बेटे, पहले लोग आएंगे तब तो काम करेंगे ना, ये थोड़ा हो सकता है कि काम ज्यादा है, काम ज्यादा हो रहा है इसलिए कि लोग ज्यादा हैं, लोग ज्यादा हैं इसलिए काम ज्यादा हो रहा है। पर सर फॉरेस्ट है तो फिर वो प्रोडक्टिविटी का मेन सोर्स
फॉरेस्ट हो या ग्रास, सबका अलग अलग आएगा। उसमें ये कंपेयर नहीं कर रहे कि हम फॉरेस्ट को ग्रासलैंड से कर रहे हैं, हम एक ही जगह फॉरेस्ट ले रहे हैं, बस हम अलग अलग प्लॉट्स में ले रहे हैं। मतलब फॉरेस्ट अलग अलग जगह के हैं, अलग अलग जगह के फॉरेस्ट हैं, फिर ये देखना है कि किस फॉरेस्ट में कितनी प्रोडक्टिविटी। तो जितनी ज़्यादा स्पीशीज करस्पॉन्डिंग टू दैट, उतनी प्रोडक्टिविटी, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। ऐसे तो ये डेविड टिलमैन ने भी इसी बात को प्रूव किया कि स्पीशीज की डाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस इकोसिस्टम में क्या है। एक और साइंटिस्ट जो इसी बात को प्रूव करते हैं कि डाइवर्सिटी का इकोसिस्टम से क्या लेना देना है, दूसरा एग्जांपल ये है पॉल एहरलिच, पॉल EHLICH, पॉल एहरलिच, ये भी नाम याद रखना है। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, इसको बोलते हैं राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इकोलॉजिस्ट हैं, स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी जो कहलाती है राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस में क्या कहा गया, इसमें यह समझाया गया कि एक जो एयरप्लेन होता है, एरोप्लेन, वो एक तरीके से एक इकोसिस्टम के बराबर है। पहले एरोप्लेन को समझते हैं। एक एरोप्लेन है, सबको पता है, टेक ऑफ भी करेगा, लैंड भी करेगा। क्या प्रिंसिपल है एरोप्लेन के टेक ऑफ या लैंड करने का, क्या इम्पॉर्टेंट है एरो? अगर कहा जाए कि एरोप्लेन मान लीजिए टेक ऑफ कर रहा है या लैंड कर रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा खास बात क्या है, बताओ सोच के। एरोप्लेन अगर मान लीजिए, सिंपल एरोप्लेन ऊपर जाके सीधा उड़ रहा है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंपॉर्टेंट है एरोप्लेन की लैंडिंग और एरोप्लेन का टेक ऑफ। तो एरोप्लेन की लैंडिंग और एरोप्लेन के टेक ऑफ में जब वो किसी एंगल से नीचे आ रहा हो रहता है या किसी एंगल से ऊपर जा रहा होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा क्या साइंस है, सबसे ज्यादा मेन साइंस क्या है, उसमें आता है एरोडायनेमिक्स। एरोडायनेमिक्स का मतलब है एयर प्रेशर के अकॉर्डिंगली जो एरोप्लेन का आगे का हिस्सा है, माउथ जैसा जो बना हुआ है एरोप्लेन का, उसका डिजाइन, क्योंकि वो प्रेशर को कट करेगा और अकॉर्डिंगली किसी एंगल पे एरोप्लेन झुक पाएगा और नीचे आ पाएगा। और फिर आते हैं उनके विंग्स। अगर एरोप्लेन के विंग्स हटा दिए जाए तो एरोप्लेन क्या लैंड ऑफ या टेक ऑफ कर सकता है? नहीं कर सकता। तो किसी भी एरोप्लेन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कहा जाए तो क्या है, उसके विंग्स, है ना। एरोप्लेन के लिए क्या आपने पढ़ा है, आपने शायद बर्नौली आइसोथोरम पढ़ा होगा फिजिक्स में कहीं, मेरे टाइम पे तो था, आई डोंट नो अभी। तो एरोप्लेन का प्रिंसिपल भी बर्नौली आइसोथोरम से ही डिराइव किया गया है ना। तो एरोप्लेन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ, विंग्स इंपॉर्टेंट हुए। और उससे भी पहले मैंने क्या बताया, उससे पहले मैंने बताया आपको एरोडायनेमिक्स। पहले नंबर पे आता है एरोप्लेन का डिजाइन, जो एयर प्रेशर को कट करने में रोल प्ले करता है कि एरोप्लेन कितना नुकी। आप देखो ना कि अगर आप बाइक भी चला रहे हो तो बाइक के हेलमेट देखो, तो पहले सिंपल आया करते थे, आजकल नुकीले वाले हेलमेट आ गए हैं, क्योंकि जब बाइक चलेगी तो एयर प्रेशर को काटना होगा तो आप आसानी से जा पाओगे। तो जो रेसिंग बाइक्स होती हैं उनके हर एक पार्ट का जो मुड़ना भी है ना, कि कितना स्लोप लेंगे आप, कितना एंगल लेंगे, वो ईच एंड एवरीथिंग इज मैथमेटिकली कैलकुलेटेड, तभी तो वो बाइक बैलेंस कर पाती है, वरना गिर जाएगी। तो एरोडायनेमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अब एरोप्लेन का डिजाइन कैसे बना होगा, एरोप्लेन में नट बोल्ट नहीं होते, जैसे आप नट बोल्ट समझते हैं, नट बोल्ट ऐसा आता है कि एक ये बोल्ट होता है और इस पर चूड़ी बनी होती है, इस पर एक हेक्सागोनल सा नट आता है जिसको आप कॉइल करते हो और फिर जाके कस देते हो, ये नट बोल्ट कहलाते हैं। किसी भी चीज़ को जोड़ने में हम नट बोल्ट को यूज़ करते हैं। यहाँ क्या यूज़ होते हैं, यहाँ राइवेट्स यूज़ होते हैं। कभी आपने रेलवे लाइन या रेलवे ट्रैक को देखा होगा, तो उसमें जो बोल्ट होते हैं उन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में राइवेट्स कहा जाता है, ये राइवेट्स कहलाते हैं। फ्लैट, एक छेद के अंदर इसको डाला और यहाँ से कस के हथौड़ा मारा जाएगा तो ये आयरन जो है वो फैल जाएगा, तो ये परमानेंटली सील हो जाएगा। फिजिक्स के हिसाब से राइवेट्स के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू नट बोल्ट। जो चूड़ी वाले बोल्ट होते हैं वो कमज़ोर होते हैं,
और जो राइवेट्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। तो एरोप्लेन का जो आर्किटेक्चर बना है, एरोप्लेन का जो डिजाइन बना है, वो इन राइवेट्स की वजह से बना है ना। राइवेट आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको इस टाइप का दिख जाएगा। रेलवे ट्रैक है या रेलवे का जो डिजाइन है या किसी कार के अंदर जो आगे की सेफ्टी जो जगह है वहां पे भी आपको राइवेट्स ही नजर आएंगे। राइवेट्स को काटा जा सकता है, एक्चुअली खोला नहीं जा सकता। ऐसे नट बोल्ट होता है कि खोलते खोलते क्या होता है, चूड़ी उल्टी घूम जाती है, पता चला कि ये नट है और इसका बोल्ट निकल गया तो ये वीक हो गया, कभी भी एक्सीडेंट हो जाएगा। राइवेट्स परमानेंटली सील हो जाते हैं, इन्हें काटते हैं तोड़ते नहीं है। पॉपिंग का मतलब होता है उखाड़ना, निकालना, पॉपिंग करना है ना, खींचना। तो राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस इसी तरीके से दिया गया कि मान लीजिए एक एरोप्लेन है जिसकी लैंडिंग या टेक ऑफ पूरी तरीके से किस पे डिपेंड कर रहा है, राइवेट्स जो एरोडायनेमिक्स है उस पे डिपेंड कर रहा है। जो एरोप्लेन का जो ढांचा है, जो बेसिक आयरन का ढांचा होगा, वो राइवेट से जुड़ा हुआ है तो राइवेट पे डिपेंड कर रहा है। अब मान लीजिए कोई पैसेंजर एरोप्लेन में बैठा हुआ है और वो राइवेट्स को काटना शुरू कर दे, काट के अपने घर ले जाना जाए, तो अगर वो एरोप्लेन के अंदर से राइवेट को काटेगा तो लैंडिंग या टेक ऑफ पे कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ सकता है लेकिन शुरू में कोई असर नहीं पड़ेगा, नेग्लेजिबल है। हजारों राइवेट्स लगे हैं, आपने एक सीट का राइवेट काट दिया एरोप्लेन की सीट का, तो उससे एरोप्लेन की सेफ्टी पे या उसके लैंडिंग टेक ऑफ पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक सिंगल राइवेट भी एरोप्लेन के विंग्स में से काट दिया, तो इसका मतलब है कि विंग्स को अगर आपने राइवेट्स काट दोगे तो विंग्स के फ्लैप खुल जाएंगे। इसका मतलब है कि एरोप्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ पे फर्क पड़ेगा, एरोप्लेन जो है वो डेंजरसली वीक हो जाएगा। तो यानी कि राइवेट्स तो पूरे प्लेन में लगे हैं, लेकिन कौन से राइवेट्स इंपॉर्टेंट है, वो राइवेट्स इंपॉर्टेंट है जो एरोप्लेन के विंग्स पे लगे हैं। आई बात समझ में? नहीं तो कोई और एग्जाम्पल दूं, आप अपनी क्लास का एग्जाम्पल लीजिए, मैं हर साल यही एग्जाम्पल देता हूँ, है ना, इतने साल हो गए मैं हर साल यही एग्जाम्पल देता हूँ। एक क्लास में 40 बच्चे हैं, आप लोगों की क्लास होती तो 40 स्टूडेंट होते फॉर एग्जाम्पल। फीस तो सबने दी होगी केल्विन को, सो ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर केल्विन। किसी और इंस्टीट्यूट की बात कर लें तो कोई और मान लीजिए कि हर इंस्टीट्यूट के लिए हर एक बच्चा इम्पॉर्टेंट है, बट एक्चुअली अगर कोई एक बच्चा छोड़ के चला जाए तो कोई नुकसान होगा क्या? ऑन पेपर तो नुकसान होगा कि एक बच्चे की फीस रिफंड करनी पड़ेगी, लेकिन जो पूरी लेजर बैलेंस बनेगी किसी इंस्टीट्यूट की, उसमें एक बच्चे का फिगर तो नेग्लिजिबल अमाउंट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। लेकिन एक ही बच्चा जाएगा, लेकिन वो बच्चा चला जाए जो जिसके लिए टीचर्स और इंस्टीट्यूट डैम श्योर है कि इसका सिलेक्शन होगा और ये अच्छी रैंक का स्टूडेंट है, फीस दोनों ने बराबर दी थी, लेकिन बच्चा कौन इंपॉर्टेंट हुआ? वो इंपॉर्टेंट हुआ जिसकी रैंक आएगी, हमें पता है कि वो बहुत अच्छा पढ़ने में है और वो रैंक ओरिएंटेड है, अगले साल रैंक लेके आएगा। रैंक लेके आएगा तो उसके रिजल्ट को इंस्टीट्यूट पूरी जिंदगी कैश करेगा, उसके रिजल्ट्स को छापा जाएगा प्रमोट करने के लिए। तो मेरे लिए नुकसान कब बड़ा हुआ? जब एक स्टूडेंट वो गया जो मुझे फेम दिला सकता था। वैसे तो दोनों स्टूडेंट ने बराबर के पैसे दिए थे, कोई चला जाए फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फर्क पड़ता है एक्चुअली। इस बात से फर्क पड़ता है कि कौन सा बच्चा चला गया, जो फेल होता है जिसके मार्क्स नहीं आते वो चला जाए क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर वही चला जाए जो रिजल्ट देता है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, नंबर दोनों का एक ही एक था। ऐसे यहाँ पे भी है कि राइवेट्स कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एरोप्लेन के अंदर से कोई राइवेट काट दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने विंग्स में से राइवेट काट दिया तो पता चला विंग्स ही नहीं सेफ रहेंगे तो एरोप्लेन कैसे सेफ रहेगा। यही चीज रिलेट की पॉल एरलिश ने इकोसिस्टम के साथ, कि जैसे एक एयरप्लेन होता है वो एक तरीके से एक इकोसिस्टम के जैसा है। जैसे एयरप्लेन को बनाने के लिए, उसके एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें राइवेट्स की जरूरत पड़ती है, उस राइवेट्स की वजह से किसी एयरप्लेन के अंदर स्टेबिलिटी आ रही है, उसी तरीके से इकोसिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ स्पीशीज चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा स्पीशीज होंगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। एयरप्लेन में भी जितने ज्यादा राइवेट्स लगे होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, उतना मजबूत प्लेन रहेगा। अब इन राइवेट्स में भी कौन सा इंपॉर्टेंट है? राइवेट्स ऑन द विंग। इसी तरीके से हर इकोसिस्टम की एक की स्पीशीज भी होती है,
नंबर में की स्पीशीज एक ही होगी, लेकिन वो स्पीशीज है जिसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम जाना जाता है। अगर वही स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, वही स्पीशीज खराब हो गई, खत्म हो गई, तो इसका मतलब है कि पूरा इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा। जैसे एयरप्लेन में से अगर आपने राइवेट्स ऑन द विंग अगर पॉपिंग किया, रिमूव कर दिया, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम या पूरा का पूरा एयर डैमेज हो जाएगा। ये कहलाती है राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस। बस ये आपको जो पैरेललॉजी है वो याद रखनी है। एयरप्लेन इज इक्विवेलेंट टू इकोसिस्टम, राइवेट्स आर इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ स्पीशीज, राइवेट ऑन द विंग इज इक्विवेलेंट टू की स्पीशीज। की स्पीशीज कौन सी होगी? की वो जिसकी वजह से इकोसिस्टम जाना जाता है। जैसे मान लीजिए कोई फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, तो फॉरेस्ट का नाम दिया जाता है डोमिनेंट ट्री स्पीशीज के हिसाब से। अगर आप कहें कि पाइन फॉरेस्ट में से सारे पाइन ट्री हटा दिए, तो फिर फॉरेस्ट बचे ही कहाँ, पाइन तो खत्म ही हो गया सारा। तो हर एक इकोसिस्टम की स्पीशीज होती है, वो की स्पीशीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना। फॉरेस्ट के लिए ट्री हो गया, ऐसे हर एक ग्रासलैंड की अलग ग्रास की स्पीशीज होती है जो वहां पे सबसे ज्यादा। नंबर में तो स्पीशीज एक ही हुई, लेकिन पूरा का पूरा ग्रासलैंड जाना तो उसी चीज से जा रहा है। अगर आपने वही स्पीशीज हटा दी तो पता चला सब खत्म हो गए। फिर जैसे लायन है, वो की स्पीशीज हो सकता है क्योंकि वो पॉपुलेशन कंट्रोल में रख रहा है, डाइवर्सिटी मेंटेन करके रख रहा है उसमें। हाँ, लायन की स्पीशीज हो सकता है। अगर फॉरेस्ट है तो उस पे लायन ला सकते हो आप। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा हुआ कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम, और इसको दो लोगों ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट से दिया। डेविड टिलमेंस के लॉन्ग टर्म फील्ड एक्सपेरिमेंट है, और पॉल एहरलिश ने एक हाइपोथेसिस दी जिसे हम राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो जब साइंस में हर चीज का प्रूफ चाहिए होता है, तो हम हाइपोथेसिस का मान कैसे लेते हैं? तब तक मानते हैं जब तक उसका कोई वैलिड कंट्रास्ट नहीं आता, मतलब जब तक उसको कोई प्रॉपरली अपोज नहीं करता। जैसे कहते हैं ना कि लॉ में क्या होता है कि अगर आपने कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब ये होता है कि जो बोला जा रहा है आप उसको एक्सेप्ट करते हो। अगर गलत बोला जा रहा है तो आप गलत के साथ हो, और अगर सही बोला जा रहा है तो आप सही के साथ हो, है ना। आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, इट इज नथिंग लाइक न्यूट्रल। अगर आप कोर्ट में गवाही देने के लिए खड़े हो, और अगर आपसे कोई क्वेश्चन जज कर रहा है कि आपने मर्डर किया या नहीं किया, या आपने मर्डर किया है, तो आपको ये बोलना पड़ेगा मैंने नहीं किया। पर नहीं किया तो प्रूव करो। अगर आपने बोला किया है तो आप कबूल ही रहे हो, और आपने अगर कुछ नहीं बोला तब भी आप ये कबूल रहे हो कि आपने मर्डर किया है। क्योंकि नहीं किया तो फिर आपको एक काम और करना पड़ेगा, ये भी प्रूव करके बताओ कि क्यों नहीं, मतलब आपकी बात का जस्टिफिकेशन क्या है। आप कह रहे हो कि मैंने मर्डर नहीं किया, तो उसे प्रूव करके दिखाओ। तो सर, जिसने हाइपोथेसिस दी और जिसने प्रूव किया, उसमें से मेन इंपॉर्टेंट कौन होगा? प्रूव कर दोगे तो हाइपोथेसिस रहेगी नहीं। और ऐसा नहीं होता कि किसी हाइपोथेसिस को कोई देता और है और प्रूव कोई और करता है। पॉल एहरलिश ने जो हाइपोथेसिस दी, इसी बात को प्रूव, मतलब इसी बात को प्रूव भी इन्होंने ही किया अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से, और लोगों को समझ में आ गया, तो आज भी वैलिड है। सर, मैं तो इवोल्यूशन के हिसाब से बात कर रहा था, जैसे ओपेरिन और हेल्डन ने हाइपोथेसिस दी और प्रूफ मिलर और यूके ने कर दिया। मिलर और यूके ने केवल ये प्रूव किया कि हाँ, अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो सकता है, वही हुआ होगा, ये थोड़ा प्रूव किया। इसीलिए तो हाइपोथेसिस है, ऑपेरन का कॉन्सेप्ट हाइपोथेसिस ही तो है। अगर मिलर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया तो ऑपेरन की थ्योरी बन जानी चाहिए थी, हाइपोथेसिस क्यों है वो? या आपने पिछली क्लास में बॉटनी में पढ़ा था, चलो मिलर का मुझे ज्यादा नहीं आइडिया है, बट बॉटनी में आपने मान लीजिए केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ा, तो पीटर माइकल ने तो केवल एक हाइपोथेसिस दी हुई है, पूरी दुनिया ने माना और नोबेल प्राइज भी दे दिया उन्हें। ऐसे थोड़ा दे दिया होगा, तो सोच समझ के दिया गया होगा। सर, ऐसे इवोल्यूशन में तो सर फिर प्रूफ हो ही नहीं सकता है। ही नहीं, कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ क्या है? आप एविडेंस के बेस पे एक बात को फेवर में हो, बस केवल प्रूव नहीं कर रहे हैं, आप उसके फेवर में हो, है ना। आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको बस मैं आपके फेवर में हूँ कि आप अच्छा पढ़ रहे हो, इसके लिए आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। प्रूव करना अलग बात है, फेवर करना अलग बात है। नाउ, यहाँ तक आपने जितना भी टॉपिक पढ़ा बायोडायवर्सिटी में, वो बेसिकली था कि बायोडायवर्सिटी क्या है, उसके पैटर्न्स क्या है, टाइप्स ऑफ यानी लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी क्या है, इंडिया या अक्रॉस द वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी का डेटा क्या है, इकोसिस्टम की
स्टेबिलिटी को जस्टिफाई कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हमने बात की थी। इस सब को करने के बाद जब हमने प्रीवियस रिकॉर्ड को स्टडी किया तो हमें समझ में आया कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है डे बाई डे, ईयर बाई ईयर, मंथ बाई मंथ, देर इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो अब हमें पढ़ना है कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, और लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है और रीजन क्या है उसके, है ना। अगेन स्टार्टिंग में थोड़ा सा डेटा, जैसे यहाँ पे फिर से नाम आएगा IUCN, आपको मैं नाम लिखा चुका हूँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN हर साल एक बुक देता है, उसको हम बोलते हैं रेड डेटा बुक, और इसमें जो लिस्ट होती है वो रेड डेटा लिस्ट कहलाती है। रेड इसलिए क्योंकि ये वो प्लांट या एनिमल होते हैं जो एक्सटेंट हो गए हैं या होने की कगार पे हैं, तो रेड कलर से रेड पेज पे प्रिंट किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रेड डेटा बुक या लिस्ट है तो रेड डेटा लिस्ट कहलाती है। तो IUCN की जो रेड डेटा लिस्ट 2004 में आई थी उसके अकॉर्डिंगली 784 स्पीशीज एक्सटेंट हो चुकी हैं, मतलब पहले थी अब खत्म हो चुकी हैं। एक्सटेंट कैसे डिफाइन करेंगे वो भी IUCN बताता है, वो हमें नहीं पढ़ना, लेकिन हमें याद रखना है कि 784 स्पीशीज जो है वो एक्सटेंट हो चुकी हैं। अब इसमें जो रिसेंट एक्सटेंशन है, इंक्लूड्स, है ना, वो भी दे रखा है। कौन कौन है रिसेंट में? डोडो, डोडो एक छोटी सी बर्ड थी जिसको मॉरिशस में देखा गया था, आपकी बुक में ईयर तो नहीं दिया है, 1950 के अराउंड देखा गया था। तो डोडो फ्रॉम मॉरिशस, क्वैक इज एन एनिमल फ्रॉम, क्वैक को क्वागा भी कहते हैं, अफ्रीका, थाइलेसीन, आपने इवोल्यूशन में थाइलेसीन की इमेज देखी होगी बनी हुई है, ऑस्ट्रेलिया से, स्टिलर्स सी काऊ, रशिया से, और थ्री सब स्पीशीज हैं, THREE, थ्री सब स्पीशीज ऑफ टाइगर अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये कौन कौन सी हैं? बाली, जावा एंड कैस्पियन। ये और ये सीरीज में, मतलब डोडो मोस्ट रिसेंट है, डोडो से पहले क्वैक, उससे पहले थाइलेसीन, उससे पहले सीलर सीकाऊ, और उससे भी पहले थ्री सब स्पीशीज ऑफ टाइगर, दैट इज बाली, जावा एंड कैस्पियन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये रिसेंट, मतलब वैसे तो 784 स्पीशीज एक्सटेंट हुई हैं, बट फिर भी पांच आपके बुक में दी हुई हैं, वो याद रखिएगा, है ना। इनमें पूछा जाए कि मोस्ट रिसेंट क्या है, तो जो पहले नंबर पे है वो मोस्ट रिसेंट है, है ना सर। ये 784 रिसेंट एक्सटेंट स्पीशीज, हाँ 784 टोटल एक्सटेंट स्पीशीज हैं, जब से मतलब ह्यूमन को समझ आई या ह्यूमन में बायोलॉजी पढ़ी होगी, पिछले 400-500 सालों का डेटा अगर देखा जाए तो उनमें से 784 जो है वो एक्सटेंट हो चुके हैं 2004 के डेटा के हिसाब से। अब तो और हो गए होंगे, 2021 चल रहा है, इन 17-18 सालों में अगर कोई और एक्सटेंट हो गया होगा तो वो भी आ जाएगा। सर ये एनिमल प्लांट सब मिलाते हैं ना? हाँ, बायोडाइवर्सिटी का तो कोई ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, इसमें सारे एनिमल ही लिखे हैं जितने आपके सामने लिखे हैं, डोडो, क्वैक, थाइलेसीन, स्टिलर सीकाऊ एंड टाइगर, सब एनिमल है। फिर एक डेटा दिया है 27 स्पीशीज ऐसी है जो डिसअपीयर हो गई है, एक्सटेंट नहीं। डिसअपीयर होना और एक्सटेंट होना अलग अलग बातें हैं। डिसअपीयरेंट का मतलब है जो दिखाई नहीं दे रही, है ना, इन लास्ट 20 ईयर। और ये लास्ट 20 ईयर कहाँ से लेने हैं? 2004 में ये डेटा आया था, तो आपको जो लेना है वो 2000 वाला लेना है, मतलब 1980 से सन 2000 के बीच में जो 20 साल है उसमें 27 स्पीशीज जो है वो डिसअपीयर हो गई हैं। डिसअपीयर होने का मतलब ये होता है कि उनकी जो नेचुरल हैबिटेट होती है वहां वो दिखाई नहीं दे रही। यस बेटा सर, वो 2000 वाला क्या कह रहे थे आप?
आपको जो ये लास्ट 20 ईयर बुक में लिखा हुआ है वो 2004 में तो डेटा आया था, तो 2004 में जो डेटा आया था मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था वो 2000 का डेटा था, तो 2000 का जो डेटा है वो बुक में 2004 में आया, तो आपको जो ये 20 साल पिछले 20 साल लेने हैं वो लेने हैं 1980 से सन 2000, 1981 से सन 2000 तक के जो 20 साल हैं उसमें 27 स्पीशीज डिसअपीयर हो गई हैं। और डिसअपीयर होने का मतलब ये नहीं कि एक्सटेंट हो गई, डिसअपीयर होने का मतलब होता है कि जो जहाँ पे कोई एनिमल पाया जाता है या जो प्लांट पाया जाता है वहां नहीं दिखाई दे रहा, हो सकता कहीं किसी ने जू में या बोटेनिकल गार्डन में संभाल के रखा हो लेकिन जो उसकी नेचुरल हैबिटेट है वहां नहीं दिखाई दे रही। जैसे दिल्ली के लिए कहा जाता है कि गौरैया नहीं दिखाई दे रही है ना, दिल्ली में गौरैया बहुत कम दिखाई देती है, तो दैट इज डिसअपीयरेंस नॉट एक्सटेंट, क्योंकि गौरैया ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया से खत्म हो गई है ना। हाँ दिल्ली में दिखनी चाहिए लेकिन नहीं दिख रही है ना, तो उसीलिए डिसअपीयर्ड वर्ड यूज किया जाता है ना। नेक्स्ट लाइन पे अगर हम चलेंगे तो इसको एक पूरा कर लेते हैं थोड़ा सा, 12% बर्ड प्रेजेंटली है, 23% मैमल्स, 32% एम्फीबियंस, 31% जिम्नोस्पर्म। इनको अगर हम नंबर में लेके आएंगे तो लगभग ये 15,500 स्पीशीज हैं। दे आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन, THREAT, थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन, खत्म होने के कगार पे हैं ये, हुई नहीं है बट हो सकता है कि आने वाले टाइम पे एक्सटेंट हो जाए। उसको भी देखते हैं कि वर्न लेवल में काउंट करें क्योंकि उन सब की डेफिनेशंस अलग अलग हैं, अभी तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। सर जो डिसअपीयर्ड वाले हैं वो भी थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन में आएंगे? नहीं, एक्सटेंट को डिफाइन करने के लिए IUCN का क्राइटेरिया है, जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वो एक्सटेंट कहलाएगा, तो डिसअपीयर एक्सटेंट का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता। नहीं सर, जो थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन में है, जो ये थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन में है ये डिसअपीयर नहीं हुई है, ये दिखाई देती है लेकिन बहुत कम है, आने वाले टाइम पे खत्म हो सकती है। ओके सर। सर सर ये जो परसेंटेज है ये टोटल एक्सटिंक्ट स्पीशीज में से है या जितनी बर्ड्स पॉपुलेशन है उनमें से 12% बर्ड्स जो प्रेजेंटली है जो आज जिंदा है उनमें से ये है, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी वो तो खत्म ही हो गई ना, उनको थोड़ा दोबारा ला सकते हैं, जो है कम होती जा रही है आने वाले कुछ सालों में खत्म हो सकती है, जो थ्रेट को फेस कर रही है उनको फिर हम बचाने के लिए कुछ करेंगे। ओके सर। अब यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि अर्थ पे अगर आप कहें सिंस ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, देयर वर 5 मास एक्सटेंशन, 5 बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे एनिमल या प्लांट एक्सटेंट हो चुके हैं। आपने जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा हुआ है तो वहां आपने देखा होगा कि जैसे मीजोजोइक एरा में सारे जो जाइंट रेप्टाइल थे वो खत्म हो गए, तो पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, तो ये जो बीच में एक खत्म होकर दूसरा आएगा, तो 5 मास एपिसोड कहलाते हैं एक्सटेंशन के, 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटेंशन, ऐसे भी लिख सकते हैं 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटेंशन, 5 बार लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो गई, बहुत सारे प्लांट एनिमल एक साथ खत्म हो गए, ऐसा जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कहा गया है। जो छठा वाला है 6 एपिसोड ऑफ मास एक्सटेंशन इज अंडर प्रोग्रेस, ये अभी चल रहा है, जो आप लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी पढ़ रहे हो ना उसको इसमें रखा गया है। या ये भी खास बात है कि इन 5 में ह्यूमन नहीं था, ये प्री ह्यूमन है पीरियड्स,
और छठा वाला जब से बना है वो है मॉडर्न एरा सीनोजोइक, जहां से ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ, होमो सैपियंस बना, ये ह्यूमन वाला है। सर एक एपिसोड में कितना टाइम लगता है सर? वो नहीं कह सकते, वो तो आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो 5 एपिसोड पढ़ोगे वो 5ों का अलग अलग है, दैट वी कांट से कि पीछे के 5 में कितना टाइम लगा। टोटल टाइम बता सकते हैं, 5ों का अलग अलग बता सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 5ों में बराबर क्यों नहीं लगा, और ना हम छठे के लिए कह सकते हैं कि पिछले 5 इतने सालों में खत्म हो गए तो छठा वाला भी खत्म हो जाएगा। आपकी बुक में दिया है कि छठा वाला जो है वो 100 से 1000 गुना तेजी से हो रहा है, इट इज 100 to 1000 टाइम फास्टर। तो सर हम पहले फर्स्ट वाले एपिसोड को दूसरे वाले एपिसोड से डिस्टिंग कैसे करेंगे कि वो दोनों अलग अलग हैं? वो इवोल्यूशन की तो आपने पढ़ता रखा है इवोल्यूशन में कि पैलियोजोइक को मीजोजोइक से अलग कैसे करोगे, मीजोजोइक को सीनोजोइक से अलग कैसे करोगे, वो तो पढ़े हैं ना आपने, जियोलॉजिकल टाइम स्केल तो आप पढ़ चुके होंगे। अभी नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा, ठीक है, इवोल्यूशन में देख लो, बना हुआ है फ्लो चार्ट, बना हुआ है उससे देख लो। इवोल्यूशन वाले चैप्टर में जियोलॉजिकल टाइम स्केल की एक इमेज बनी हुई है, उसमें आप देख लो, वो तो आपको याद करना ही करना है, उसमें हम कुछ ये थोड़ा कर सकते हैं कि इतने साल क्यों, वो तो जो साल लगे सो लगे। सर ये 6th वाला ह्यूमन की वजह से होगा? हाँ, अब ऑब्वियसली बात है कि भाई 5 में ह्यूमन नहीं था और छठे वाले में ह्यूमन है, पीछे के 5 का जो स्पीड था उससे 100 से 1000 गुना तेजी से छठा वाला एक्सटेंशन हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी है, सारी ह्यूमन की है। सर कोरोना पैंडेमिक इसका एक पार्ट कह सकते हैं 6th वाले को? नहीं नहीं, कोरोना पैंडेमिक से स्पीशीज कोई एक्सटेंट नहीं हो रही, एक भी नहीं हुई, वो तो हम मर रहे हैं इसलिए दिक्कत आ रही है, अगर कोई एनिमल या प्लांट मर रहा होता तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आती। सर हम तो कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अब कर रहे हैं इसीलिए तो कर रहे हैं। ये आपका आपने पढ़ा कि भाई बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, अभी आप अब टाइम हो गया, अगली क्लास में आप पढ़ोगे कि भाई बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के रीजन क्या है, फिर आप उसे कंजर्व करने पे आओगे। आज के लिए इतना ही पढ़ना है, अगली क्लास में आप ये पढ़ोगे कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के कॉज क्या है, क्यों बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। फिर 6th एपिसोड तक होने के बाद ये 12% बट ये सब खत्म हो जाएंगे, ऐसा मतलब है? अब तो हो, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, हम सिर्फ आज के हिसाब से फ्यूचर को गेस कर रहे हैं, हमें कैसे पता कि हो ही जाएंगे, हम चलो कुछ नहीं कर रहे बचाने के लिए तो मर जाएंगे, हो सकता है किसी और कंट्री में बहुत सारा काम हो रहा हो इस बात को बचाने के लिए, तो उसका फर्क तो पड़ेगा ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि आगे कितने साल में खत्म हो जाएंगे, हमें ये पता है कि आप पीछे वाले के कंपैरिजन में ये तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है, पहले हम नहीं थे अब हम हैं, तो यानी हमारी वजह से हो रहा है, और इतने एनिमल या प्लांट ऐसे हैं जो एक्सटेंट होने के कगार पे हैं, जिनको खतरा सबसे ज्यादा है, तो हम पहले बचाएंगे भी इन्हीं को। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क इन्हीं के लिए बनते हैं? हाँ, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आगे आप पढ़ोगे तो काफी इस चैप्टर में है। ठीक है सर, टेस्ट होगा इस संडे को, तो 11th का क्या है? मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन कर लो 11th का। ठीक है, और सर 12th का ये वाला चैप्टर? हाँ ये तो आ गई 12th में, तो ये आ गई। ओके सर, ठीक है सर, एक बार यूनिट खत्म होने के बाद पूरी यूनिट का टेस्ट एक साथ ले लेना। ठीक है, ले लूंगा, वो तो हमारे हाथ में है। यस सर, है ना? गुड नाइट सर। चल, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट।